नमस्कार दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता एवं लोक देवियों से संबंधित पूछे गए 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने चार वीडियो अपलोड कर दिए, ये पांचवा वीडियो है, और वो चार वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, तो बाबा रामदेव जी जो है एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी थे, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है 24 बाणियाँ। 24 बाणियाँ भी कहते हैं और 24 बाणियाँ भी कहा जाता है, 24 बाणियाँ। तो ये एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे। नेक्स्ट हैं वीर तेजाजी की घोड़ी का नाम, तो वीर तेजाजी की घोड़ी का नाम है लीलण। लीलण जब तेजाजी को सेंदरिया में, जो सेंदरिया जो किशनगढ़ अजमेर ज़िले में स्थित, वहाँ पर तेजा जी को जब नाग देवता ने डस लिया था, तब इसका जो मृत्यु का जो समाचार है वो है, जो इस जो घटना का समाचार है वो इनकी घोड़ी लीलण ही है जो इनके घर पर पहुँचाती हैं। ये लीलण, और बहुत से गानों में भी इनका नाम सुना होगा, लीलण घोड़ी सिंगारी वाला गाना ये। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता के मंदिर की बनावट मकबरा नुमा है? तो जो लोक देवता घोगा जी हैं, इनका जो मकबरा है, सॉरी ये जो मंदिर है वो मकबरा नुमा बनावट है, और इस मंदिर का निर्माण है जो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थल कौन सा है? तो जन्म स्थान है नागौर में, एक स्थान है खरनाग, यहाँ पर तेजाजी का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है, लोक देवता बाबूजी के जीवन दर्शन पर लिखी गई किताब के लेखक कौन है? तो लोक देवता बाबूजी के जो जीवन पर लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है बाबू प्रकाश, और बाबू प्रकाश के जो लेखक हैं वो है आशिया मोड़ जी। आशिया मोड़ जी बाबू प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं, जो कि लोक देवता बाबूजी के जीवन दर्शन पर लिखी गई किताब है। अगला प्रश्न है, बाबा रामदेव की माता का नाम क्या है? तो बाबा रामदेव जी की जो माता का नाम है वो है मैणा दे। बाबा रामदेव की माता का नाम है मैणा दे। और अभी जो 24 जून को जो उद्योग निरीक्षक अधिकारी का जो पेपर हुआ था, इसमें पूछा गया था कि नेतलराव बरतार ये जो किसके लोकगीत में आता है, तो ये बाबा रामदेव जी के लोकगीत में ही आता है। अगला प्रश्न है, आवरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आवरी माता का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ के जो बदेसर तहसील है, इस बदेसर तहसील में एक स्थान है निकुम, तो निकुम के पास में ये आवरी माता, यहाँ पर आसावरा गांव में आवरी माता स्थित है। नेक्स्ट है, स्वांगिया माता किस क्षेत्र के शासकों की कुल देवी थी? तो स्वांगिया माता है जो जैसलमेर के शासकों की कुल देवी थी, स्वांगिया माता। अगला प्रश्न है, सच्चिया माता किसकी कुल देवी है? तो सच्चिया माता है जो ओसवालों की कुल देवी है, और सच्चिया माता का मंदिर जो ओसिया जोधपुर में स्थित है, ओसिया जोधपुर में सच्चिया माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, कंठेश्वरी माता किसकी लोक देवी मानी जाती है? तो कंठेश्वरी माता है जो आदिवासियों की लोक देवी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, लोक देवता कौन से लोक देवता नागौर प्रगने के खरनाल गाँव के रहने वाले थे? तो जो लोक देवता तेजाजी थे वो नागौर के खरनाल गांव के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह लोक देवता जिनका संबंध गागरौन से था? तो राजस्थान के ऐसे लोक देवता हैं संत पिपाजी, और पिपाजी का जो जन संबंध है वो गागरौन के दूर से हैं। और ये अगला प्रश्न है, लोक देवता रामदेव जी का वाहन क्या है? यानी कि उनके वाहन का नाम क्या? तो उनके वाहन है घोड़ा, वाहन का नाम है घोड़ा। अगर आपको रामदेव जी के घोड़े का नाम पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे राजस्थान के लोक देवताओं लोक देवियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो 14 और 15 जुलाई को है, उद्योग प्रसार अधिकारी परीक्षा जो 22 जुलाई को है, और LDC भर्ती परीक्षा जो 12 और 19 अगस्त को आयोजित की जाएगी, इसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।
मिलते हैं इसी तरह के और नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।